पाक विदेश मंत्री और चीफ जस्टिस को भारत का न्योता एससीओ समिट के लिए बुलाया, रूस और चीन भी होंगे शामिल। एससीओ समिट के लिए पाक चीन रूस को न्योता। अमेरिका में एक दिन में 3 जगह शूटिंग, 11 मौतें, कैलिफोर्निया में 7, शिकागो में 2 की मौत, आयोवा में 2 स्टूडेंट की गई जान। चीन में कर्ज के तले दबा श्रीलंका, महंगाई दर 57% हुई, इकॉनमी बचाने के लिए 1/3 खतराएगा सेना। पृथ्वी से मंगल तक 45 दिन में पहुंच सकेंगे, नासा की नई टेक्नोलॉजी का कमाल, अभी रॉकेट 7 महीने का वक्त लेता है, पृथ्वी से मंगल तक 45 मिनट में पहुंचेंगे इंसान। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, जापान में 23 दिन में 8,000 से ज्यादा मौतें, मरने वालों में 97% बुजुर्ग। जापान में बच्चे पैदा करने पर जोर, पीएम किशिदा बोले अभी नहीं तो कभी नहीं, 2022 में जन्म दर सबसे कम हुई। ब्राजील में 4 साल में 570 आदिवासी बच्चों की मौत, सरकार ने लगाई मेडिकल इमरजेंसी, कुपोषण अवैध खनन की बड़ी वजह। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलेंगे एनएसए अजीत डोभाल, 10 गेम चेंजर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत करेंगे 31 जनवरी को मीटिंग। दिल्ली एनसीआर समेत 5 राज्यों में भूकंप, 30 सेकंड तक काफी धरती, नेपाल में दोपहर को आया 5.8 तीव्रता का भूकंप। राहुल सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं, कहा सेना कुछ करे तो उसे सबूत की जरूरत नहीं, हमें उस पर पूरा भरोसा। पीएम मोदी की आज मिस्र में राष्ट्रपति के साथ बैठक, दोनों देशों के बीच 6 समझौते हो सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर चीफ जस्टिस हैं अब्देल। लखनऊ में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, छत काटकर 14 को निकाला, 12 घंटे से ज्यादा चला रेस्क्यू, अंदर फंसे लोगों को दी जा रही ऑक्सीजन। श्री जगन्नाथ की यात्रा पर आज निकलेगी दूसरी भारत गौरव ट्रेन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जी कृष्ण रेड्डी और धर्मेंद्र प्रधान दिखाएंगे हरी झंडी। नेपाल संसद में किसान ने आत्मदाह की कोशिश, प्रधानमंत्री के संसद से निकलते ही शख्स ने खुद पर डीजल छिड़का लगाई आग, नेपाल संसद के सामने आत्मदाह। और वनडे में भी नंबर 1 पर रहा भारत, तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 90 रन से हराया, कीवियों पर तीसरी बार क्लीन स्वीप।